रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे भारत भीम स्वर्गीय जनार्दन सिंह स्मृति सीनियर स्टेट पुरुष महिला कुश्ती चैंपियनशिप एवं उत्तर प्रदेश केसरी प्रतियोगिता 2018 में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के मुखिया और गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आयोजक समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में कुश्ती का प्रतीक गदा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुश्ती राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल है जो प्राचीन काल से ही गाँव में त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर होती आ रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान दिए हैं जिससे जनपद का नाम रोशन हुआ है। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया खेलो के नाम पर खेल को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रारंभ किया है। वहीं प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित पदक दिए जाने की व्यवस्था की गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी संगठन भी भाग लेंगे। खेल में जीत हार होती है, जीत हार जीवन का हिस्सा है और हर हार के पीछे जीत छिपी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशुद्ध खेल भावना के साथ साथ खेल की मर्यादा बनाकर देश के अधिकाधिक पदक जीतकर प्रतिभागी देश और प्रदेश का नाम बढ़ाएं, ऐसी कामना है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के उपाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह, निर्देशक खेल डॉक्टर आर पी सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, वरिष्ठ पहलवान पन्नेलाल, खेल निदेशक डॉक्टर आर पी सिंह, आयोजक आदित्य प्रताप सिंह, धीरज सिंह हरीश, मनीष सिंह, सावन सिंह, अशोक तिवारी सहित भारी संख्या में खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा, Mom.
यह भी लोग कष्टों के पहलवान विजय हुए। अगली पावर के लिए आए भूपेंद्र कुमार गाजियाबाद, अमित कुमार बागपत। तुरंत मैट पे आइए। गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के संयुक्त आयोजित 46वीं सीनियर फ्री स्टाइल एवं ग्रीको रोमन स्टेट चैंपियनशिप के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पूज्य महाराष्ट्र परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर गोरक्षपीठ और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पर हाथन और स्वागत। सज्जनों और पूरे देश और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले स्वर्गीय जनार्दन सिंह जी की स्मृति में जिला कुश्ती संघ गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 46वीं सीनियर फ्री स्टाइल एवं ग्रीको रोमन स्टेट चैंपियनशिप पुरुष तथा 21वीं फ्री स्टाइल सीनियर स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप महिला जो 3 दिनों तक 16, 17 एवं 18 परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराष्ट्र एवं यशस्वी तपस्वी एवं मनस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन हमारे बीच पधार चुके हैं। उससे अपना काम चलवा और उनकी 5 साल का ये अनुबंध होता था, 5 साल बाद उनको दूसरी जमीन पर भेज दिया जाता था। इस तरह वो यायावर की जिंदगी व्यतीत करते थे। बाबू जनार्दन सिंह जी, दो विभूतियों को समर्पित ये कार्यक्रम तो यहाँ हो ही रहा है और आपके बीच एक भी परम यशस्वी तपस्वी उच्च महाराष्ट्रीय राष्ट्रीयता और त्रिवेणी पर आपका स्वागत अभिनंदन। और मैं अब आयोजन समिति की ओर से पूज्य महाराष्ट्र को उत्तरी द्वारा सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री श्रवण सिंह जी। श्री श्रवण सिंह जी की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए। श्रवण सिंह जी की तरफ से उत्तरी और श्री रविकर सिंह जी सिनेमन ग्रुप की तरफ से और इसके बाद श्री हरीश सिंह जी और श्री पंकज सिंह। पहलवानों की दुनिया के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक, पहलवानों की दुनिया के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक बजरंग बली की रुद्रावतार बजरंग बली की यह गदा प्रदेश के विकास में तमाम सारी राष्ट्रीय शक्तियों Get it!
दूसरा स्थान मिला प्रयास तो मेरठ को। सेवेंटी नाइन केजी में ब्रॉन्ज मेडल, राजेश सिल्वर मेडल और अनुज गोल्ड मेडल। केजी में पुरस्कार वितरण चल रहा है। अब्दुल्ला ब्रांज मेडल, सुनील यादव ब्रांज मेडल, राजेश सिल्वर मेडल और अनुज गोल्ड मेडल। पीछे सामान इसके बाद लाइन अप है 60 केजी ग्रीको रोमन में राजन गाजीपुर ब्रांज मेडल, राजन गाजीपुर ब्रांज मेडल, कमलेश यादव नंदेह नगर ब्रांज मेडल, उमेश यादव वाराणसी सिल्वर मेडल और जगदीश डीएलडब्ल्यू गोल्ड मेडल। जिन पहलवानों का मेडल सेरेमनी हो गई वो नीचे उतर जाए। पन्नेलाल जी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अपने दमखम से गोरखपुर का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने वाले कठिनी सीनियर उत्तर प्रदेश फ्री स्टाइल एवं ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप और 21वीं महिला चैंपियनशिप के इस आयोजन पर हमारे बीच परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ उपस्थित, मान कालीबाड़ी जी आयोजन समिति के अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह जी, श्रवण सिंह जी, धीरज सिंह, उत्तर प्रदेश कुश्ती के तमाम पदाधिकारी लोग, निर्णायक मंडल, प्रशिक्षकगण, निदेशक खेल डॉक्टर आरपी सिंह साहब,
आर एस ओ श्री अमरेंद्र पांडे, श्री चंद कोहली पांडे जी, श्री बलराम मिश्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री पन्नेलाल जी, विभिन्न जनपदों से आए कुश्ती के प्रतिभागीगण, खेल प्रेमी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी हमारे साथीगण, हम इस मंच से सबका स्वागत करते हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं। परम पूज्य महाराज जी, हमारे आमंत्रण पर अपने अनेकानेक व्यस्तताओं के बावजूद समय निकालकर आने का यहाँ कष्ट किया आपने, हम सभी इससे बड़े उत्साहित हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। भारत भीम जनार्दन सिंह स्मृति 64वीं पुरुष फ्री स्टाइल जमगिर को रोमन तथा 21वीं महिला कुश्ती चैंपियनशिप कार्यक्रम के आज के समापन कार्यक्रम में उपस्थित जिला दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, चचाई राम के मोहन जी, मान्य विधायक श्री शीतल पांडे जी, खेल निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर आरपी सिंह जी, गोरखपुर कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री रोने शाही जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री आदित्य प्रताप सिंह जी, श्री धीरज सिंह हरीश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी और इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि खेलों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत की माटी से जुड़े हुए इस उत्तर प्रदेश पुरुष फ्री स्टाइल स्वर्गीय जनार्दन सिंह स्मृति इस कुश्ती प्रतियोगिता का आज यहाँ पर फाइनल संपन्न हो रहा है। जिन भी पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाया है, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैंने 6 फाइनल की कुश्तियां देखी हैं, बहुत जोरदार कुश्तियां थी। मुझे लगता है कि जो विजयी हुए हैं उनका प्रदर्शन तो जोरदार था ही, लेकिन जो रनर अप थे उनकी भी अच्छी तैयारी थी। खेल भावना इसी को कहते हैं जहां पर जीत और हार की परवाह के बगैर विशुद्ध खेल भाव के साथ हम खेलों की मर्यादा को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर की धरती में अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पहलवान गोरखपुर ने दिए हैं। उन पहलवानों ने गोरखपुर प्रदेश और देश का नाम दुनिया के सामने रोशन करने का कार्य किया है। उसी श्रृंखला में भारत भीम स्वर्गीय जनार्दन सिंह पहलवान भी गोरखपुर की ही माटी से आगे बढ़े थे और आज उनकी स्मृति में 64वीं फ्री स्टाइल उत्तर प्रदेश कुश्ती चैंपियनशिप का आज यहाँ पर समापन हुआ है। केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि खेलो इंडिया खेलों के नाम पर
भारत के प्रत्येक खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हर जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश ने भी इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। अभी हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के खिलाड़ियों को, जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए प्रदेश की ओर से भागीदारी करके पदक प्राप्त किया, ऐसे अपने खिलाड़ियों को 6 करोड़ 45 लाख रुपए का नगद पुरस्कार हम लोगों ने वितरित किया। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिसमें प्रत्येक पुरस्कार में 3,11,000 रुपए की राशि हम उस होनहार खिलाड़ी को देते हैं जो इस पुरस्कार के हकदार होते हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश की ओर से जो लोग प्रतिभाग करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को 6 करोड़, रजत प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 2 करोड़ रुपए, ऐसे खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि हम लोग प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रमंडल और एशियन गेम में जो खिलाड़ी वहां पर स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं उन्हें 50 लाख, रजत पदक पर 30 लाख और कांस्य पदक पर 15 लाख की राशि हम लोग उन सभी खिलाड़ियों को देते हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिभाग करने पर भी 10 लाख रुपए हम उस खिलाड़ी को प्रदेश सरकार की ओर से देते हैं। राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को हम लोग 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदेश सरकार की ओर से भी हम उन सभी खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं। मुझे प्रसन्नता है खेलों के प्रति हमारे युवाओं के मन में एक अच्छा भाव जागृत हुआ है और वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां आज किसी भी राष्ट्र की क्षमता को तोड़ने का माध्यम उसकी अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन अंततः उस राष्ट्र के बारे में पूरी जानकारी लेनी हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस राष्ट्र के खिलाड़ियों के द्वारा कैसा प्रदर्शन हो रहा है यह भी उस राष्ट्र के बारे में जानने के लिए एक बेहतर अवसर होता है। और हमें प्रसन्नता है कि अपने सीमित संसाधनों से गोरखपुर कुश्ती संघ, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपना बेहतर प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश की ओर से, और मुझे लगता है कि इसी महीने के अंत में नेशनल भी उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, उसमें भी ये खिलाड़ी अपना स्थान बनाएंगे और फिर देश के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करके वे लोग अपने प्रदेश का, अपने जनपद का और अपने देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं आप सबको मुझे यह भी सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले किसी भी खिलाड़ी को प्रदेश सरकार राजपत्रित पद पर उन्हें सीधे नियुक्ति देने का भी कार्य करती है, और पिछले ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए थे उन्हें राजपत्रित पद देने के लिए मैंने पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ था उस अवसर पर मैंने ये घोषणा वहां पर की थी। मुझे विश्वास है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे सभी संगठन, सामाजिक संगठन भी, खेल से जुड़े हुए संगठनों के साथ साथ सामाजिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संगठन भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। मैं सभी प्रतिभागियों को आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खेल में
जीत और हार होगी। जीतने वाले खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से उनके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, उन्हें प्रफुल्लित होना चाहिए, लेकिन हारने वाला व्यक्ति कभी भी अपने को इतना हतोत्साहित न करें कि वह फिर किसी अन्य चीज को फेस करने की स्थिति में न रहे। जीत और हार जीवन का एक हिस्सा है। हर बड़ी जीत के पीछे एक हार छुपी होती है और वह हार उसे एक नए स्वर्णिम जीत का अवसर देने का अवसर भी प्रदान करती है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी खेल भावना के साथ इस विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर स्वर्गीय जनार्दन पहलवान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सभी प्रतिभागियों को हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विशुद्ध खेल भावना के साथ ये लोग खेल की उच्च मर्यादा और खेल के उच्च आदर्शों को बनाए रखते हुए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए अधिकाधिक पदक जीत करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए अधिकाधिक पदक जीत करके प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आयोजकों को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे ठीक है, बहुत हाइट हो जा रही है। नहीं नहीं ठीक है, लंबी हो जा रही है। गैस में गैस हो रहा है। महाराज जी कहो, सब लोग खड़े नहीं हो, नीचे नीचे महाराज जी, आप नीचे। आज का दिन पहलवानों का दिन है। नीचे नीचे नीचे, अरे नीचे हो गए, अरे हटो यार। पहलवानों के साथ कुछ महाराज श्री के साथ फोटो। ये नई पीढ़ी कुछ महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके उत्साहित होगी। ये आशीर्वाद उन्हें।